डी आओ ना, ये छोड़ के आ जाओ। और पीछे से सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो जो स्पॉइलर वाली जगह है ना, वो भी हो गई है। देख स्पॉइलर भी हो गया। सोचा था कि मैं कराऊंगा, वेजल पे भी लग जाती यार, लेकिन ये कि अब टू टोन में ये है कि अब ये वाहिद है पूरे पाकिस्तान में, एक भी नहीं है। आज अब सीन ये नए ब्लॉग का कि अभी हम इसमें जा रहे हैं, सही है, फुल वॉश मॉश करानी है, इसको ये लगानी है और गाड़ी में बैठ बताता हूँ। ओ शिट, तू बैठ, मैं कुछ लाया ही नहीं हूँ साफ करवाने के लिए, ना शैम्पू ना कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ दुनिया इधर से उधर हो जाती है, तू कह रहा कुछ नहीं होता, कपड़े नहीं आए तो। अच्छा शैम्पू में लाइन नहीं है। हाँ ये मैंने भी नोटिस किया। खैर बॉयज, अब सीन ये जो ये वीडियो बनाने का पर्पस है, जो कि मैंने बताया भी था, अब मैं तला को भी बता रहा हूँ कि अभी सहरी हम करेंगे ना, सहरी के बाद जो सूरज निकलेगा उस पर ये और ये सामने वाली गाड़ी हमने दोनों लेके जानी है। हाँ, और हम सुबह सुबह इससे निकल रहे हैं क्योंकि रश नहीं होगा और अच्छी पिक्चर्स वगैरह आ जाएंगी, फुल मतलब गुड सीन हो जाएगा। वही इसके ऐसी उठा लिए बॉय ने गाड़ी, बस फेंक कर आए हुए हम घंटे से, गाड़ी धुल गया, घर भी पहुंच गई होगी अभी तक। नहीं यार वो KFC के सामने, जब आप क्या हर वीडियो बनी है सब बताता हूँ वहाँ भी, लेकिन रश होगा, बहुत चीज़ें हो रही हैं भाई। बॉयज हम वापसी आ गए कार वॉश करके, रास्ते में बहुत ही ज़्यादा आंधी आ गई थी तो ओए तले वो AZ की नंबर प्लेट लेकर आ। MG की तूने भी 10 बार लगाई है। अच्छा बताना तले यार, तेरा हाथ आ रहा है सही, पता नहीं चल रहा। खैर बॉयज़ अब हम सहरी पे जा रहे हैं, बल्कि नहीं हम चलो हम इसलिए जा रहे हैं बॉयज़ सकते। यार वैसे बैठ के मज़ा आता है, इतने दिनों से नहीं बैठा हुआ। ये कि मैंने कल रात को ग्रैंडी का 0 to 100 टेस्ट किया था और अब मैं इसका टेस्ट करूँगा, फिर मैं देखूँगा कि क्या सीन है, फिर बताऊँगा आपको। कैमरा से भाई आप कोई डेड यार बॉयज़, हम अभी 0 to 100 के लिए निकले थे, पता नहीं किधर पहुँच गए घूमते घूमते। जल्दी जल्दी सारे अपने कमेंट्स में बता दो कितना होना चाहिए। तले तुझे क्या लगता है? 9 9। ओके बड़ी, थैंक यू। ओए बड़ी, 5 hours later। आप और टू टू टोन गड्डी में हो? ओके सर। बिस्मिल्लाह। आप लोग देख सकते हैं सुबह के 5:40 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सिग्नल कभी नहीं तोड़ेंगे ऐसे लोगों की तरह। वैसे वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो है ना जो किराया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत एक्सट्रीमली खूबसूरत लग रहा है।
बारिश का बहुत हाई चांस है, तो लेट्स सी। हाँ हाँ इट्स गुड सीन बॉयज। अब हमने थोड़ी प्लेसमेंट चेंज कर दी है, अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है यार। ये सोनाटा एमजी की नई चीज़ बड़ी मज़े की लग रही है यार। लेकिन ये आई थिंक फ्रंट वो लाइट ही बंद होगी। तो हम आ गए शूट करने के लिए, अभी दो तीन और मूविंग शॉट्स वगैरह लेंगे। बाकी जो ये यह पता मुझे एक दो कॉमेंट्स आए थे तो इसका ना वो करेंगे, वो जो फर्स्ट लुक वाली चीज़ होती है ना, क्या बताऊँ इसके बारे में। बस ये दो चीज़ें आपको बता, यही चीज़ बताता हूँ सबर। तो इस तरह के अकॉर्डिंग फर्स्ट लुक में आपकी मेन चीज़ आती है आपका एक कलर, ये LDRLs आती हैं, 3 इंच के व्हील्स आते हैं आपके, ये पैनोरामिक सनरूफ आ जाती है, ये 10 इंच का इंफॉर्मेशन क्लस्टर आ जाता है। की नॉट इन व्हील ऐसे नहीं किया मैं। ओके तो मैं MG को प्रेफर करूँगा। तला भाई आपका कैसे, हम दो MG उसको प्रेफर करेंगे ओवर दिस। लेकिन nothing to take away from this car, it's a very nice car. तो चीज़ें कराएं से ना आप गाड़ी टू टोन होगी, ऊपर से ब्लैक नीचे से वाइट। अब सबसे जो बिग क्वेश्चन और जो मेन चीज़ है वो ये रिम्स हैं। अगर कोई बंदा जानता है कि ये पाउडर कोटिंग या जो भी है जो पेंट इन चीज़ों के ऊपर होता है जो कि पील ऑफ हो जाता है, अगर कोई जानता है कि वो कौन करता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे इंस्टा पे बता दें या मुझे नीचे मैसेज करके बता दें, बहुत हेल्प होगी। क्योंकि हमने वेजल का भी करवाना है और हमने इसका भी करवाना है। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।